नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि अपने एग्जाम बहुत ही पास में आ चुकी है, 6 से 7 तारीख को एग्जाम है। तो साथियों, आप सबके लिए मैं आज लेके आया चुंबक एंड संधारित्र, जो अपना मैग्नेट एंड कैपेसिटर होता है, उससे रिलेटेड जो टॉप 30+ क्वेश्चन आते हैं, जो निम्बी के साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि साथियों, अभी जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है निम्बी से डायरेक्ट क्वेश्चन, और वही कभी जो उसमें पूरा प्रोग्राम है उसी को लाके उसको अपलोड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों, 15 से 20 मिनट की क्लास बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, लोगों को शेयर कर दे। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं डेस्कटॉप पे देख पा रहा हूं, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट, परिपथ की कुल धारिता की गणना करो। तो आप साथियों देख पा रहे हैं, ये जो अपना यहां पे डायग्राम बना हुआ है, ये जो है साथियों सीरीज कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन में आप सबको पता होना चाहिए जो कैपेसिटर होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। साथियों मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए, देखिए ये क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1+K, 1/C2+K, 1/C3 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप इसका मान पुट कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, उसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसमें देखिए ये पहला क्या है, 30 है, ये 10 है, ये 30 है। ठीक है, एलसीएम लेगा आपका, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 1/CT आ जाएगा। ठीक है, गुना भागी दर में करेंगे तो आप 1 से 1 + 3 + 1 साथियों 1, क्योंकि देखिए ये 30 ये सब कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, भाग का उल्टा इसमें देखिए मतलब कि संख्या पलट जाएगी, तो आपका जो ओनली सीटी क्या बच जाएगा यहाँ पे, 30/ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 × 6 = 30, इसका यह आंसर आ जाएगा। स्मार्ट बंदे हो आप, सबको ये निकालते आता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल क्वेश्चन है कि धारिता की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, आप सबको पता है फेरड होती है इसकी इकाई। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, क्वेश्चन है कि एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा, हमको मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी बराबर क्या होता है, आप सबको पता होगा साथियों, जैसे कि क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है, सी को इधर ट्रांसफर करना तो क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा साथियों बताइए जरा, तो क्यू अपॉन के क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है साथियों, जैसे कि यहाँ पे वी कितना दिया, 35 दिया है, और जो अपना क्यू कितना दिया, 0.5, तो 0.5 अपॉन कितना आ जाएगा, 35, इसका आप जब इसमें भाग दे देंगे तो जो आपका आंसर है निकल के आएगा साथियों, 0.014 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन पूरा देखिएगा, 15 से 20 मिनट का होने वाला है। ठीक है, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, तो माय डियर फ्रेंड आप सबको पता होगा जो कैपेसिटर होता है वह 3 बातों पर निर्भर करता है, किस पीस पर करता है साथियों, प्लेटों का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया मतलब होता है। ठीक है, सेकंड बात आती है प्लेटों के बीच की दूरी मतलब कि डी। ठीक है, डिस्टेंस। तीसरा क्या आता है साथियों, प्लेटों के बीच के माध्यम पर मतलब जो परावैद्युतांक माध्यम होता है मतलब एप्सिलॉन 0 से उसको प्रदर्शित करता है, इन तीनों पे क्या करता है वह निर्भर करता है, आप सबको पता होगा, याद ही रहना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, तो देखिए प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर नहीं भी है, ऐसा नहीं करेंगे हम, तो प्लेटों के प्रति पर ए भी नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर आ रहा है आप देख पा रहे सी आंसर, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर क्या किया जा सकता है साथियों, संधारित्र के मतलब संधारित्र के मान को कम किया जा सकता है, प्लेटों की मतलब जो दूरी उसको बढ़ाकर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराचुंबकीय पदार्थ किसको बोला जाता है। तो साथियों आपने जब पढ़ा होगा तो आपने मैग्नेट, उसमें 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, कौन से होते हैं साथियों, पहला आ जाएगा अपना चुंबकीय पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, सेकंड क्या आ जाएगा साथियों, बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिसको क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं जनरली इसको अणुचुंबकीय की बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, तीसरा क्या जाएगा साथियों, डायमैग्नेटिक पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, अचुंबकीय बोलते हैं, जैसा बोलो साथियों सुनते रहिए, पूरा स्पष्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, डायमैग्नेटिक पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय या फिर अचुंबकीय बोला जाता है, तो वह कौन सा मतलब उसका डेफिनेट उदाहरण कौन सा साथियों, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो एयर क्या है अपना अपना एयर जो आ जाएगा साथियों पैरामैग्नेटिक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, इस्पात क्या है, लो मैग्नेटिक पदार्थ है मतलब कि फेरोमैग्नेटिक, और जल इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जल इसका यह आंसर आ रहा है, जो क्या साथियों एक प्रतिचुंबकीय जिसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं। तो साथियों सबसे शक्तिशाली डायमैग्नेटिक पदार्थ अगर आपको पूछता है तो वह क्या होता है, विषमत होता है, वह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है अपना कि कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट यह क्या करती है साथियों, अपने जो
जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उसको क्या करती है, ध्रुवता मतलब जो पोलैरिटी होती है उसको चेंज कर सकती है, मतलब होती है, ठीक है। तो धारा की दिशा इसका यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि चुंबक वाहक बल की क्या इकाई है। तो आप सबको पता है चुंबक वाहक बल MF है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, इसकी इकाई भी बहुत स्पष्ट और सरल सी है, आपको पता है एम्पियर टर्न इसकी इकाई होती है, जैसे कि आप ऑप्शन में देख पा रहे एम्पियर टर्न सी इसका ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, परमियंस की इकाई क्या, व्हाट इज परमियंस, क्या होता है। पहली बात तो यह आपको पता होना चाहिए कि परमियंस जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है साथियों, यह जो चुंबक प्रवाह मतलब जो चुंबक की बल रेखाएं होती हैं उनको मैग्नेटिक सर्किट में बहने के लिए सरलता प्रदान करता है, उसको परमियंस बोलते हैं, मतलब कि सहायता प्रदान करता है चुंबकीय बल रेखाओं को, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपको वह भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें क्या होता है, धारा होती है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर देखिए परमियंस की इकाई क्या आ रही है, आपको पता होना चाहिए बी वेबर प्रति एम्पियर टर्न आ रही है इसकी इकाई। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, जिसकी इकाई क्या हो जाएगी साथियों, एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो जाएगी, ठीक है। ये फाई आ जाएगा यहाँ पर वेबर, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं बी इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना कि परिनलिका में कुंडली के क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है, विच रूल इज एप्लीकेबल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनाइड कॉइल में, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर का आ रहा है दाहिने हथेली का नियम, इसका आंसर यहां पे आपको दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो यह आपको लगाना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना कि श्रृंखला मतलब कि सीरीज में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र मतलब कैपेसिटर को जोड़ने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मतलब क्या चेक करना चाहिए हमें, यह बोला जा रहा है। तो साथियों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आ रहा है बी, देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इनकी वोल्टेज रेटिंग से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यह आपको चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना 11 नंबर का कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, मतलब कि पैरा मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, इसमें आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो वह आता साथियों अपना क्या आ जाएगा, तांबा मतलब क्या होता है, कॉपर होता है। चलिए कॉपर का नाम लिया, तो इससे रिलेटेड आपको जो भी बनता है मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, इसको CU से प्रदर्शित करते हैं। इसका 1084 डिग्री क्या होता है, गलनांक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में वायरिंग में इसका यूज किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, क्वेश्चन है कि BH वक्र में X द्वारा अंकित भाग का क्या नाम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी कोएसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो इसका पहला ही ऑप्शन है, ये देखिए ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इसको उन्होंने मतलब मेंशन किया हुआ है, जो एक्स को दर्शाया गया, तो उस जो पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई सिटी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या होता है। देखिए चालकता के लिए विद्युत परिपथ में बोला है, तो सेम उसी प्रकार मैग्नेटिक परिपथ में भी क्या हो जाएगा, आपको पता है अभी मैंने बताया था क्या होता है साथियों, परमियंस होता है, जो क्या करता है चुंबकीय बल रेखाओं को मैग्नेटिक सर्किट में बहने के लिए सहायता प्रदान करता है, ठीक। उसी प्रकार मैग्नेट में अपना जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट उसमें क्या होता है, चालकता होती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना 40 नंबर का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रिलक्टेंस, अभी मैंने आपको बताया जो क्या करता है मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, इसकी इकाई क्या, एम्पियर टर्न प्रति वेबर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है इसका आंसर आप देख पा रहे ए सी आर एम क्वेश्चन आर एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V हो तो संधारित्र C का सी अभी क्या होगा, तो बहुत ही सरल है, कोई बात नहीं निकालना आपको, Q बराबर क्या होता है CV होता है, ठीक है। इन्होंने किसके बारे में पूछा, हमें क्या पूछा है साथियों, सी, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन के V हो जाएगा ना, ये देखिए इसका पहला इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने में कि आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ाएंगे, जो उसकी शक्ति स्ट्रेंथ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों आप क्या करेंगे, चुंबकन क्षेत्र की जो तीव्रता होती है मतलब कि फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा, उसकी जो ताकत है ना वह बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि फ्लक्स घनत्व क्या होता है, माय डियर फ्रेंड आप सबको पता है फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो इसमें फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। तो देखिए साथियों जो फ्लक्स घनत्व होता है इसकी कहीं टेस्ला होती है, फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, जो पीछे रह जाता है जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ना, आपको पता होगा, ठीक है। तो वो उसी को बोला जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सर्फ सराउंडिंग मेटल प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसका आंसर उन्होंने क्या सी किया है, मतलब कि ईडी करंट उस पर क्या होता है, वह प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो साथियों आप सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, जो अपना एयर कैपेसिटर होता है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? रेडियो रिसीवर में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, मतलब कि पराचुंबकीय पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक पदार्थ है, इसको प्रतिचुंबकीय या फिर अचुंबकीय पदार्थ भी बोला जाता है। ठीक है, यह सब आपको नाम एग्जाम की दृष्टि से याद होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, जो लकड़ी है ये इसके अंतर्गत आता है। साथियों जाता है इसके अंतर्गत जो जो आता है मैं उसको आपको पूरे के पूरे बता देता हूं। उसमें जो सबसे शक्तिशाली क्या होता है डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है बिस्मत। ठीक है, वो होता है, उसके अंदर सल्फर आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा और ठीक है और लकड़ी आ जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो लकड़ी इसका आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। फ्लक्स घनत्व की मैंने अभी बताया आपको, जो इसकी एसआई इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है। अगर यह नहीं दिया है तो आपके इसमें दिया होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया होगा, वह भी इसकी इकाई है। टेस्ला कौन था, यह वैज्ञानिक का नाम था, इसलिए इसके नाम पर इसका इकाई का नाम रखा गया। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 22। ठीक है, आप देख पा रहे कि पदार्थ का बीएच वक्र किसके बीएच वक्र मतलब हिस्टेरेसिस लूप जिसको बोला जाता है, ठीक है, के आकार क्या दर्शाता है, जो अपना पदार्थ का बीएच वक्र है क्या दर्शाता है, यह बोलना चाह रहा क्वेश्चन। तो इसमें आप देख पा रहे कि जो पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को यह जो दर्शाता है, जो मटेरियल होता है उसकी जो चुंबकीय स्पेसिफाई होती है ना, उसको वह दर्शाता है, प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? भंवर धारा में से होता है एडी करंट होता है। तो आप सबको पता होगा एडी करंट का जो फॉर्मूला होता है, देखिए डब्ल्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, बी मैक्सिमम का स्क्वायर होता है, ठीक है, एन टू फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर होता है, एन टू क्या हो जाएगा, थिकनेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साथ ही आपको वोल्टेज धारा प्रतिरोधी है, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। आप क्या बचा अपने फ्रिक्वेंसी बचा, तो फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, सीधे के सीधे समानुपाती होता है, उसके बढ़ने घटने से इस पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या बोलना चाह रहा है कि परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है, विच इज द केस ऑफ द चेंजिंग द परमेबिलिटी। तो इसका आंसर आप देख पा रहे साथी, वो किस पे डिपेंड करता है, जो फ्लक्स घनत्व होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है, उस पे क्या करता है, वह डिपेंड करता है। तो परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है, फ्लक्स घनत्व है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा क्वेश्चन। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक के लिए उपयोग किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही स्पेशल इस प्रकार के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रिसेंट में पीटीओ में मतलब इसी टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का जो अपना कैपेसिटर होता है जिसकी इकाई फैराड होती है, आप सबको पता है। ठीक है, जो डीसी में क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, और एसी में सतत कार्य करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डीसी में साथियों इंडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो एसी को क्या करता है, ये एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट उसको प्रोवाइड करता है, तथा डीसी में क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, क्योंकि डीसी परिपथ में इंडक्शन नहीं होता। ठीक है, यह भी आपको याद रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अपना क्वेश्चन था कि संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का यूज किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर वह ओपन हो जाए, खुल जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वह क्या करेगा, यह कार्य नहीं करेगा। इसका यह आंसर आ रहा है, यह यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाए तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि जो संधारित्र है तीन चीजों पर निर्भर करता है। चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं। संधारित्र को सी से कैपेसिटर जिसको होता है उसे प्रदर्शित करते तो सी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, जो क्या होता है एरिया तथा एक्सलान जीरो मतलब क्या होता है प्लेटों के बीच के माध्यम, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल लग जाएगा। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है साथियों तो वहां पे क्या लगता है, नेतांक जिसको क्या बोलते हैं हम के, तो तब क्या हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा के ए एक्सलान जीरो अपॉन के क्या हो जाएगा डी। ये एग्जाम की दृष्टि से ये जो फॉर्मूला साथी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि यदि संधारित्र में, देखिए मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए, तो सी बराबर क्या होगा, देखिए के हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ए हो जाएगा अपन के डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी को कम कर दे, मतलब कि डिस्टेंस को वह कम कर दे, तो भैया ये इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब प्रोपोर्शनल में व्युत्क्रमानुपाती है, इसको कम कर रहा है, तो एक राशि कम होगी तो दूसरी राशि क्या होगी, बढ़ेगी ना मेरे भैया। तो दूरी कम हो जाए तो संधारित्र के मान में क्या होगा, वह क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है
कि चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। साथियों आप देख पा रहे हैं इसमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर दिशी विशेषता को मतलब कि डायरेक्टिविटी दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको पता है क्या आता है, जैसे कि आपको नहीं भी पता है तो फिर भी आप निकाल सकते हैं, बताता हूँ कैसे। इस्पात आपको पता है, फेनिको जो होता है निकिल कोबाल्ट, यह आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है। अब रही बात कांच और जल, तो यह अपने डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है। बचा कौन भी है, वायु, लगा तो इस पर आगे निकल जाओ। ठीक, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना कि चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, तो इसका आंसर आएगा इंडक्शन मेथड का, इसमें यूज किया जाता है चुंबकीकरण के लिए। ठीक, मैग्नेटाइजेशन के लिए, ठीक है, क्या जाएगा इंडक्शन मेथड आ जाएगा। ठीक, अगर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना कि यदि घुमाओ के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इन If the distance between the turn is increases, ठीक है, तो वह क्या होगा साथियों, वह भी बढ़ जाएगी। मतलब कि इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, पहला ही आंसर आ रहा है बढ़ेगा। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, क्वेश्चन है अपना 32 नंबर का कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी इसका फॉर्मल लिखा था कि सी बराबर क्या लिखा था, के लिखा था एसलन जीरो, यहाँ पे लिखा था ए अपॉन के, क्या लिखा था दे। तो मतलब ये जो ए है मतलब एरिया है, उसका क्षेत्रफल उस पर निर्भर करती है, डी पे भी निर्भर करती है, और उसके मतलब कि पदार्थ जो अपना सॉरी क्या बोला प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो इन्होंने एरिया लिखा हुआ है, तो मतलब कि इसी पे तो किस पे निर्भर कर रही है, तो ये इस पे निर्भर कर रही है। ठीक है, ये पहला आ जाएगा आकार मोटा, इन तीनों पे नहीं करती, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है साथियों आप देख पा रहे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ प्लेट्स, इसका यह आंसर आ जाएगा। ठीक, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 33 क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि आरएफ युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड आप देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो देखिए इसको बोलते हैं मोनोलिथिक कैपेसिटर जो होता है ना, आरएफ युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप देख पा रहे साथियों, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोनोलिथिक कैपेसिटर आपको वहां पर लगाना है, इसका ही आंसर आ रहा है। तो साथियों आज के अपने टॉप 33 क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको जो मैंने बताया कम से कम समय में आपके लिए मैंने कर दिया। तो साथियों इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दे, लोगों को भी शेयर कर दे। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।